नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज समय है एक बढ़िया सी रीडिंग करने का, कलेक्टिव रीडिंग करने का। तो देखते हैं आज ये कलेक्टिव मैसेजेस क्या हैं। और ये कोई ऐसे ज्योतिष शास्त्र वाली प्रेडिक्शन नहीं है, ये हम ट्विन फ्लेम स्टार सीड कम्युनिटी के लिए कलेक्टिव मैसेजेस लाते हैं रोज। कोशिश तो करते हैं रोज ही आए। तो अभी आप फिलहाल मेरे हिंदी चैनल में जुड़े हुए हैं, आई हैव एन इंग्लिश चैनल ऑल्सो। इन मैसेजेस को हम इसलिए भी आप लोगों के पास लेकर आते हैं क्योंकि जब लोग इनर वर्क करते हैं तो इजी नहीं होता इनर वर्क, असेंशन जर्नी बहुत मुश्किल होती है। तो ऐसे टाइम में आपको ऐसे रैंडम टाइप के मैसेजेस या रैंडम टाइप की बातें लोगों को हेल्प नहीं करती हैं। तो इसलिए हम कलेक्टिव सेशन करते हैं इस तरीके का, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो असेंशन में है, जो इनर वर्क कर रहे हैं, उनको वही वाली गाइडेंस मिले जो इनर वर्क वाले लोगों को चाहिए होती है। जो वर्ल्डली गाइडेंस होती है कि मेष राशि का ये हो रहा है, वृश्चिक राशि का ये हो रहा है, और सिंह राशि, तुला राशि, ये इस टाइप की जो रीडिंग्स होती है, बहुत ही ज्यादा एक्चुअली बहुत आपको नहीं लगता कि इतने दुनिया में लोग हैं, 7-8 बिलियन लोग हैं, क्या सारे मेष के साथ ही हो रहा है, सारे पाइसियंस के साथ ही हो सकता है, क्या सारे उनके साथ नहीं हो सकता, राइट? लेकिन जो इनर वर्क कर रहे हैं वो लोग बहुत कम है इस वक्त इस प्लैनेट पे। इस वक्त जो लाइट वर्कर्स हैं, इनर वर्क करने वाले लोग हैं, ट्विन फ्लेम स्टार सीड्स, ये बहुत कम है। तो इनके लिए स्पेसिफिक चीजें बोली जाती हैं। फिर भी अगर आप इस सेशन से रेजोनेट नहीं करते हैं तो आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं और आप कोई और इंफॉर्मेशन वीडियो या कुछ और देख सकते हैं। बाकी आई एम हियर टू डू द बेस्ट आई कैन, आई विल ट्राई माई बेस्ट विद द हेल्प ऑफ ऑब्वियसली सोर्स, माई मास्टर्स एंड स्पिरिट गाइड्स, ऑल क्रेडिट गोज टू देम। तो लेट्स सी, आज देखते हैं कि हम किस तरीके की बंदे की या बंदी की रीडिंग कर रहे हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये किसी मेल और फीमेल के ऊपर फोकस नहीं है, ये कोई भी व्यक्ति जो इसे सुन रहा है उसके लिए एप्लीकेबल हो सकती है। तो लेट्स सी, चलो एक और निकाल लेते हैं। ओके, तो जो मेरे सामने अभी दिखाई दिया जा रहा है, चलिए एक और क्वेश्चन कीपर से पूछते हैं, कीपर कार्ड से। ओके गुड। तो मैं जानना चाह रही थी कि जिनकी एनर्जी को मैं इस वक्त चैनल कर रही हूँ, जिन लोगों की, क्या वो जेन्युइन है। तो मुझे आया यस, जेन्युइन भी है और बहुत हाई ऑनर में एनर्जी है उनकी। लाइक यू फील लाइक रिस्पेक्टिंग देम, यू फील लाइक गिविंग देम दैट सेंस ऑफ रिस्पेक्ट बिकॉज दे आर एक्चुअली गुड पर्सन, गुड एज इन सच्चे लोग। मतलब आप तो अब तक मेरे चैनल पे अगर जुड़े हुए हैं इंग्लिश हिंदी किसी में भी, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम इस प्लैनेट पे अच्छे या बुरे बनने नहीं आते, हम इस प्लैनेट पे सच्चे बनने आते हैं। दो ही चीजें चलती स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, सच्चा होना या झूठा होना। तो जब आप सच्चे होते हो तो कई दफे आपको बहुत कड़ा बिहेवियर दिखाना पड़ता है, और झूठे लोग तो कैसे, देखिए कड़ा बिहेवियर भी दिखाएंगे तो अपने ही फायदे के लिए दिखाएंगे, अपनी ईगो मसाज करने के लिए, अपनी इमेज अच्छी करने के लिए, और क्या कहते हैं, वाह वाही दूसरों की लेने के लिए, राइट? तो यहाँ पे मुझे दिखाया जा रहा है कैसा इंसान जिसकी भी हम चैनलिंग कर रहे हैं, इनके पास इस वक्त धन की कोई ऐसा कमी नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, या इन्होंने खुद पे काम इतना किया है कि अब हो सकता है बहुत रिच भी नहीं है तो भी बहुत स्टेबल हो गए, पहले से बहुत स्टेबल हो गए, किसी दूसरे पे अब ये आश्रित नहीं है, ना इनको आश्रित रहने की जरूरत है, ठीक है? दूसरा, ये जो इंसान है ये वैसे बहुत अंदरूनी लेवल पे बहुत हैप्पी है, इनका जो इनर चाइल्ड है उस पर ये वर्क कर रहे हैं, और आप ये कह सकते हैं कि इनकी जो वाइब्रेशन है, एक ऐसे इंसान की वाइब्रेशन है जो कि अपने आप में एक परिवार जैसा है, कि अगर वो किसी के साथ बैठ जाए, किसी के साथ बात करे, तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि वाओ मैं कितने अच्छे इंसान से बात करे, एक फैमिली पर्सन से, मतलब कि आपको उस व्यक्ति से बात करके लगेगा कि आप अपने किसी फैमिली मेंबर से ही बात कर रहे हो, अपने किसी दोस्त से, अपने किसी शुभचिंतक से, अपने परिचित से बात कर रहे हो। इस टाइप की एनर्जी है इस बंदे की या बंदी की। और दूसरा ये कि ये अपने वादे के बड़े पक्के हैं, ये कमिटमेंट को बहुत अच्छे से निभाते हैं। कार्ड्स आपके सामने ही हैं, ये है इनके जो नेचर से रिलेटेड कुछ कार्ड्स मैंने निकाले हैं, और ऑब्वियसली हाई ऑनर इनका जो है ना,
अंदरूनी जो मन है वाकई में बहुत प्योर इंसान है, ठीक है, ये अच्छे इंसान है, ये जेन्युइनली असेंशन वर्कर है, लेकिन इनके साथ एक इमोशन चल रहा है पिछले कुछ दिनों से जो मैं आपको बता रही हूँ। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले इंग्लिश चैनल में रीडिंग करी थी, तो एक सिमिलर मैसेज मुझे आप कह सकते हैं क्लियर वॉइंस के थ्रू मिला था पूरे दिन भर से, और वर्ड्स के थ्रू वर्बली भी मिला, और अब इस रीडिंग में वो उभर के आया। तो मुझे ये बताया जा रहा है कि ये जो व्यक्ति है, क्योंकि ये इनके ट्रेट्स नहीं है, इस वक्त ये ऐसा फील कर रहे हैं कि इनके कंधे पे ना एक बोझा है, दुनिया का बोझ, दुनिया का बोझ ये अपने कंधे पे उठा के चल रहे हैं ये व्यक्ति, और इनको मेरे ख्याल से ये बोझा उतार देना चाहिए। क्यों? जो लाइन मुझे मिली थी वो ये थी, इट्स अ सेल्फिश वर्ल्ड, ये एक स्वार्थी दुनिया है, स्वार्थी लोगों से भरी हुई, सबको अपना मतलब पूरा करना है, सबको अपनी चीजें करनी है, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। तो क्या ऐसे स्वार्थी समाज में, ऐसे स्वार्थी दुनिया में आप भी स्वार्थी बन जाओ? नहीं, वो ये कह रहे थे कि स्वार्थी मत बनो, या स्वार्थी अगर बनो भी तो ये देखो कि आपका स्वार्थ है किस चीज में और क्या वो चीज आपके फायदे की है। तो उनको ये इस वक्त लग रहा है, वो जिस दुख से जूझ रहे हैं वो ये है कि उनको ये लग रहा है कि सब इल्यूजन है, सब इल्यूजन है, और बहुतों का बोझा उठा के वो चल रहे हैं। तो मैं बताती हूँ ये क्यों आया है, ठीक है, ये क्यों आया है मैं आपको बताती हूँ, रुकिए, ये क्यों आया है और ये कितना इम्पोर्टेंट है आज की इस चैनलिंग को समझना, एक्सपेंशन, ठीक है। तो देखिए इस व्यक्ति का जो है एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, इनका एक्सपेंशन कुछ इस तरीके से हो रहा है कि पहली बात तो ब्लू कलर जो होता है वो हमारे थ्रोट चक्रा से रिलेटेड होता है, हमारी कम्युनिकेशन से, हम जैसे होते हैं, हम जो मन में अंदर होते हैं, अगर हमको एक सच्चे व्यक्ति के पाथ पे चलना है, एक सच्चियारा बनना है अगर हमें, तो हमें कुछ चीजों का बड़ा ध्यान रखना होता है कि जो आपके मन में है वही आपके वचन में होना चाहिए, आपकी भाषा में, आपकी लैंग्वेज के थ्रू, या जैसे भी आप उसको कम्युनिकेट करें, होना वही चीज जो आपके थॉट्स में है, और वैसे ही आपके एक्शन होने चाहिए, मतलब आपका मन, आपके वर्ड्स और आपके एक्शन, ये सब एक ही टाइप के होने चाहिए। ऐसे लोगों को कहते हैं तथागत। अब जिस व्यक्ति की मैं चैनलिंग कर रही हूँ, जिसकी भी मैं कर रही हूँ, उस व्यक्ति का जो है एक्सपेंशन चल रहा है इस वक्त, वो और बेहतर और बड़े और समझदार और सबसे इंपॉर्टेंट जिस चीज पे हम वर्क करें, और सच्चे ये व्यक्ति बनते जा रहे हैं, एकदम कहते हैं ना सत्यवादी हरिश्चंद्र बन के ही छोड़ेंगे ये। और आज तक देखिए इतने साल हो गए, आज तक हम लोग सत्यवादी हरिश्चंद्र के एग्जाम्पल्स देते हैं, क्योंकि सत्यवादी हरिश्चंद्र ऐसे थे कि वो कभी झूठ बोलते ही नहीं थे। झूठ बोलना ही क्यों है, झूठ बोल के मिलता क्या है ये सोचिए आप। झूठ जो एक बार बोलता है ना, उस इंसान को अपने उस झूठ को छुपाने के लिए बार बार झूठ बोलना पड़ता है, बार बार झूठ बोलना पड़ता है, और वो जो बार बार झूठ बोलते हैं ना, वो अंदर से कभी खुश नहीं होते। हम जो बोलते हैं, सोचते हैं, जैसी हमारी एनर्जी होती है वैसी ही लाइफ हमें दिखने लग जाती है। अगर हम बार बार लोगों को झूठ बोले कि जी हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत प्रताड़ित हैं, जैसे विक्टिम्स करते हैं, अपने आप को विक्टिम बनाते हैं, तो वो एक्चुअली में एक विक्टिम जैसा फील करने लग जाते हैं, और फिर अपनी लाइफ में वो विक्टिम वाली जिंदगी को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं बहुत जल्दी, सूनर और लेटर। सो चलिए एक्सपेंशन को भी एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या मैसेज आया हमें एक्सपेंशन के थ्रू। इसका एक फेबल होता है चक्रा कार्ड्स में, चक्रा कार्ड्स तो आते ही हैं, मैसेजेस तो आते ही हैं कि इस चीज पे वर्क करना, ये तो आते ही हैं। ये व्यक्ति भी जिसने पूरे दुनिया का बोझा उठा रखा है और जिसको लग रहा है कि ये सब कुछ जो उनके सामने चल रहा है वो एक इल्यूजन है, ये इनके साथ इसीलिए हो रहा है, इसके पीछे रीजन ही यही है कि वो अपनी कथनी और करनी, कई बार हम ऐसा डर के मारे भी करते हैं, जैसे हमको बता दिया जाता है नजर लग जाएगी दूसरों की, तो हम अपने बारे में कुछ अच्छा किसी को बताते ही नहीं है, या हम अच्छे से और बुरे से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं। अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता, देयर इज नो सच थिंग एज गुड एंड बैड। ये गुड एंड बैड के ड्रामे से ही हम लोगों को इस जर्नी में निकलना है, हमको सिर्फ सच और झूठ को समझना है, झूठ को डिकोड करना है और सच को फॉलो करना है। तो जब यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है तो हम स्काई गॉड की बात कर रहे हैं, यू विल सी इट वेन यू बिलीव इट। तो आप देखिए जो भी मैं बोल रही हूँ बिल्कुल इस कार्ड से मैच कर रहा है, ठीक है, ये इंग्लिश में है दोस्तों, मैं इसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगी। वैसे आजकल सभी ग्लोबल सिटीजन्स हैं, थोड़ी बहुत इंग्लिश तो सभी को क्लियरली आ जाती है, जब तक कि कोई बहुत मुश्किल शब्द ना आ जाए,
और वैसे भी इंग्लिश लैंग्वेज का क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज तो एक भ्रमित भ्रम क्रिएट करने वाली भाषा है। लिखते कुछ है, बोलते कुछ है, प्रोनाउंस कुछ करते हैं, कम से कम हिंदी भाषा ऐसी तो नहीं है। सो स्काई गॉड वॉज सीकिंग वाइज काउंसिल टू चूज द कलर ऑफ स्काई। ही वॉन्टेड द बींग्स ऑफ अर्थ टू फील सरीन व्हेन दे लुक्ड एट हिज वर्क। अदर ग्रेट स्पिरिट्स रिमाइंड हिम टू ट्रस्ट हिज इंट्यूशन। ही विल नो द राइट कलर व्हेन ही सीज इट। सो स्काई गॉड ट्रस्ट एंड सीज द कलर क्लियरली, दस द स्काई बिकम्स ब्लू स्काई, ब्लू कलर। इंस्पिरेशन, सीकिंग गुड एडवाइस इज वाइटल व्हेन यू आर पुशिंग इनटू न्यू टेरिटरी। स्टे अवे फ्रॉम एनीवन हू इज क्रिटिकल ऑफ योर ड्रीम्स, दिस इंडिकेट्स पॉसिबली चेंजिंग योर फ्रेंड्स। पर्सनल इंक्वायरी, हाउ कैन आई क्रिएट पावरफुल अलायंसेस, आर न्यू पीपल एंटरिंग माई लाइफ। Key ideas, wise counsel, fruitful collaboration, spiritual support, state of uncertainty and being guided. Keywords, counseling, connections and progress. तो देखिए बहुत important है, जैसा कि ये बोझा जो मैंने बोला, ये बोझा क्या होता है ना, ये कई बार लोगों के रूप में ही आता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खुद कुछ नहीं करते हैं, बस दूसरों से ही expect करते हैं कि वो ही बस आपका उद्धार करें, आपका ध्यान रखें, आपकी केयर करें, और इतने कोडिपेंडेंट हो जाते हैं। फिर हमें भी ऐसे लोगों के पीछे जाने की क्या जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी कोडिपेंडेंट हैं। हमको ये लेसन सीखना है। आज जो भी इस चैनलिंग से रेजोनेट कर रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, ये बात आपको समझनी है कि भाई आपको किसी का बोझा उठाने की जरूरत नहीं है। आप केवल वो कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आप जितने सत्यवादी बनते जाएंगे, जितने सच्चियारे बनते जाएंगे ना, आपको कुछ भी ऐसा करना नहीं पड़ेगा जिसकी वजह से आपको दूसरों की वैलिडेशन चाहिए हो। मतलब मैं पर्सनली ऐसा सोचती हूँ कि मेरे जो सबसे अच्छे दोस्त हैं, जो मेरे सबसे घनिष्ठ मित्र हैं, वो मेरे एनिमल किंगडम्स के दोस्त हैं, किंगडम्स कह रही हूँ, किंगडम के दोस्त हैं, या ये नेचर है, ये कुदरत है, और मेरे मास्टर्स हैं। और सबसे ज्यादा मुझे उन्हीं से ही प्रेम मिला है, काउंसलिंग मिली है, प्यार मिला है, और आज मैं जो भी हूँ, ये एक सच्चा प्यार जो मुझे इन लोगों से मिला है उसकी वजह से। तो मैं आप लोगों को भी यही कहूंगी कि आप उस सच्चे प्यार की तरफ जाइए, क्योंकि आपको जो आपके असली काउंसिल हैं, जो वाइज काउंसिल हैं, जो आपके असली दोस्त हैं, जो आपके परम मित्र हैं, जो आपका हमेशा भला ही चाहेंगे, वो कभी भी आप पे बोझा नहीं डालेंगे। वो आपका बोझा उतार लेंगे। वो कहेंगे छोड़ो, अपनी दिक्कत मुझे दे दो, अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर करो। ऐसे भी हैं मेरे दोस्त, ह्यूमंस भी है मेरे ऐसे दोस्त, जो वाकई में इतने सेल्फलेस हैं, इतने अच्छे हैं। मतलब कभी कभी तो मुझे लगता है कि वाकई में ये लोग मुझे इनर वर्क की वजह से मिले। क्योंकि इनर वर्क करने से पहले, जब मैं संसारिक दुनिया में थी, कॉर्पोरेट जॉब्स करती थी, लोगों के साथ घूमती फिरती थी, मुझे नहीं लगता कि शायद उस टाइम मेरी लाइफ में कोई भी ऐसे फ्रेंड्स थे या ऐसे इम्प्लॉयर्स थे, बॉसेस थे, या कोई भी थे जिनको कोई भी फर्क पड़ता था। मतलब किसी और की भलाई से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ भैया मेरे साथ क्या अच्छा हो रहा है, मेरे को क्या फायदा हो रहा है, ये सोचते हैं। तो ऐसे लोगों का बोझा क्यों उठाना दोस्तों। ये एक इल्यूजन से भरा हुआ संसार है, यहाँ पे हर प्रकार के इल्यूजन है। पैसा भी एक इल्यूजन है बहुत बड़ा, इसलिए पैसा कमाओ और अच्छी चीजों में खर्च दो। पैसा कमाओ और उन पे खर्चो, जिन उन चीजों पे खर्चो जो आपको अच्छी लगती है, बिना किसी गिल्ट के। अगर आपको कोई ड्रेस खरीदनी है, खरीद लो जाके। हाँ, वो टेम्पररी है, थोड़े दिन पहनो, फिर किसी और को दे दो, किसी और को हैप्पी कर दो, है ना। तो अपने पास ज्यादा बटोरिए मत चीजें, उतनी ही चीजें रखिए जितनों की आपको जरूरत है। और अच्छा खाना खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी रहिए। आप उन्हीं लोगों से बातचीत कीजिए, उन्हीं लोगों के करीब जाइए जो आपके जैसे हैं। अपने लेवल के दोस्त बनाइए, मतलबी दोस्त, दूसरों को यूज करने वाले दोस्त, मैन्युपुलेट करने वाले दोस्त। मुंह पे तो कहते हैं हाँ हम आपका बहुत केयर करते हैं, और पीछे से झूठी मूठी कहानियां सुनाते हैं। फिर क्या होता है, आपका दिल टूटता है, आपको बुरा लगता है कि यार मैंने तो इस इंसान के लिए इतना किया, मैंने तो इनके लिए अपने आउट ऑफ द वे जाके किया, मैंने अपना समय भी इनको दिया, मैंने अपना समय, जो इतना कीमती समय है, मैंने अपना पूरा पूरा दिन निकाल के इन लोगों को दिया। इन्होंने क्या कहा, अरे तुम्हारे पास तो टाइम ही टाइम है, तुम तो कोई बात नहीं, तुम तो कर ही सकते हो। और आप थोड़ा सा करोगे ना स्वार्थी लोगों के लिए, मतलब आप उन्हें उंगली दोगे ना, तो आपका पूरा हाथ पकड़ लेंगे, खींच ही लेंगे आपको पूरा। वो ये नहीं सोचेंगे कि आपकी भी कोई जिंदगी है, आपके भी कोई गोल्स हैं, आपका भी कोई परिवार है, या आपकी भी कोई, स्पेशली अगर आप स्पिरिचुअल असेंशन में हो तो आपका भी कोई मिशन है। जो व्यक्ति इस प्लैनेट पे आए और स्पिरिचुअल असेंशन पे ध्यान ही ना दे,
जो अपने पे ध्यान ना दे, मतलब अपनी अंतरात्मा पे, अपनी सोल पे जो ध्यान ना दे, फिर उसने किया ही क्या, फिर उसने क्या किया। इसीलिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, सही खाना जरूरी है, सही लोगों के साथ उठना बैठना जरूरी है। अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, टाइम बहुत प्रेशियस है, और ये बोझा उतार के फेंक दीजिए। बहुत हो गया बोझा, इस सेशन का मतलब ही यही है कि ये बोझा उतारिए, क्योंकि एक्सपेंशन, मैंने जान के पूछा है कि एक्सपेंशन क्यों आया है। और देखिए ना कितनी अच्छी लाइन है यहाँ पे, हाउ कैन आई क्रिएट पावरफुल अलायंसेस आर न्यू पीपल एंटरिंग माई लाइफ। तो वो जो न्यू पीपल हैं, जो हाई वाइब्रेशनल लोग हैं, वो कैसे एंटर होंगे आपकी लाइफ में, जब आप ही वो पुरानी चीजों को लेके घूम रहे हो, आप ही उन पुराने बंधनों में बंधे पड़े हो, आप ही उन लोगों के पीछे जा रहे हो जो आपको रिगार्ड ही नहीं करते, जो आपको बेवकूफ समझते हैं, या कोई दूध पीता बच्चा समझते हैं आपको, कि आप में तो बिल्कुल दिमाग ही नहीं है, आप में तो अक्ल ही नहीं है, यू डोंट नो एनीथिंग, दे थिंक यू आर स्टूपिड पर्सन। वो जो आपके गुण नहीं देख सकते हैं, जो आपकी अच्छाई नहीं देख सकते, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी सच्चाई नहीं देख सकते। क्योंकि क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ, जब भी कोई सच्चा व्यक्ति कुछ करने निकलता है ना, तो अगर तो वो अपने जैसों के साथ नहीं होता, तो वो फिर उस चीज को नहीं कर सकता, सिंपल एज दैट। तो करना आपको खुद ही है, आपको अपना सपोर्ट सिस्टम भी खुद बनना है, आपको अपना बेस्ट फ्रेंड भी खुद ही बनना है, और आपको अपने लिए खुद ही सोचना और खुद ही करना है। और ये जो हम खुद करते हैं ना, ये हमें उसकी मदद से करना है, यहाँ के लोगों की मदद से नहीं। यहाँ पे कोई नहीं कर सकता जो आपके लिए वो कर सकते हैं। इवन उर्दू का जो ये शब्द है खुदा, खुदा शब्द किससे बना है, खुद, खुद शब्द से ही खुदा बना है, खुद से ही हम खुदा तक जा सकते हैं, राइट। सो लेट्स टेक आउट वन मोर कार्ड, आई जस्ट वॉन्ट टू सी इफ देर इज एनी मोर गाइडेंस और एनी मोर मैसेज फॉर दिस पर्टिकुलर चैनलिंग एंड रीडिंग। क्या करें हम, और कुछ और मैसेज है तो बताइए प्लीज। प्रिविलेज लेडी, ये प्रिविलेज लेडी बड़ा आ रहा है आज। देखिए ऐसा होता है ना कि जब हम रीडिंग करते हैं, कलेक्टिव रीडिंग करते हैं, तो सिमिलर कार्ड्स आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये प्रिविलेज लेडी फिर से आ गया, जो उसमें इंग्लिश चैनलिंग में भी आया था। तो अपने आप को एक प्रिविलेज व्यक्ति की तरह समझिए, वैसा प्रिविलेज व्यक्ति नहीं जो, मतलब नेगेटिव वाले वे में मैं नहीं कह रही, ओवर प्रिविलेज अच्छा नहीं होता, प्रिविलेज होना अच्छा होता है। आप स्पिरिचुअलिटी की नजर से आप खुद को समझिए कि आप एक बहुत प्रिविलेज्ड पर्सन है। चलिए टारो से भी एक पूछ लेते हैं। ओ अपने आप ही गिर गया, ये देखिए ये कार्ड अपने आप आया है। टारो ने भी एक मैसेज दिया है, वो भी देखिए मूव ऑन करता हुआ एक बंदा है, जो कि जहां पे वो खुश नहीं है वहां से जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इन दोनों का कनेक्शन ही यही है कि जब आप ऐसा कुछ करेंगे जो चीज आपके लिए नहीं बनी है, जो चीज आपके लिए नहीं ऊपर वाले ने तय करी है, जो प्रीडेस्टिंड ही नहीं है। ये जो लोग इंटरनेट पे आजकल कहते रहते कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन, कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन, मुझे तो बहुत हंसी आती है दोस्तों। ये कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन नाम की कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि आपका सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज प्रीडेस्टिन्ड, बस आपको अलाइनमेंट में आना है। इसीलिए हम चक्रा अलाइनमेंट थेरेपी करते हैं, जो कि इतने महीनों तक चलती है, वो इसीलिए हम करते हैं ताकि आप अपने चक्रास के साथ अलाइन हो जाएं। चक्रास के साथ अलाइन होते कि आपकी एनर्जी फ्लो होने लग जाती है, आपकी दोनों नाड़ियों में एनर्जी आ जाती है, आपके सुषुम्न से एनर्जी पास होती है ईदा और पिंगला में, और फिर 72,000 नाड़ियों में एनर्जी आ जाती है आपकी। वो तभी आएगी जब आप इन सब चीजों से ना अब आप निकल जाएंगे, प्लीज मूव ऑन कर जाइए। तो बार बार एक ही मैसेज आ रहा है, जो भी इसे सुन रहा है, आई होप आपको इससे मदद मिली हो, आपको अच्छा लगा हो, आपको सही फील हो रहा हो इस वक्त, और बेटर फील हो रहा हो। और अगर आप किसी भी तरीके से लो फील कर रहे हैं, तो खुद को लो मत फील करवाइए, क्योंकि आप एक प्रिविलेज्ड पर्सन है, आप पे गॉड की बहुत ग्रेस है, आप पे गॉड की बहुत ग्रेस है, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, आपका नेचर बहुत अच्छा है इसमें दिखाया जा रहा है। आपकी इसी फैमिली मैन वाला जो आपका नेचर है, फैमिली मैन वुमेन वाला, कि आप जहां भी जाते हो लोग आपको पसंद करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कई दफे इसी नेचर की वजह से भी ऐसे लोग जो हैं वो दुख उठाते हैं, क्योंकि हर कोई उनका एक, यू नो, एवरीबडी वॉन्ट्स अ पीस ऑफ देम फॉर देमसेल्व्स। अब उनकी तो पूरी एनर्जी लोग चूस लेते हैं, और फिर जब वो खाली होकर ऐसे बैठ जाते तो उनके पास कोई नहीं आता, कोई उनकी मदद नहीं करता, कोई उनसे बात नहीं करता। और आप बहुत लकी हो दोस्तों, आप बहुत बहुत लकी हो अगर आपके पास एक भी ऐसा दोस्त है, एक भी ऐसा दोस्त है जो आपके दुख में आपको ये बोले कि तुम मुझे अपने दुख दे दो, मुझे अपने दुख दे दो, मेरे सुख ले लो,
ऐसे तो दोस्त बहुत कम लोगों को मिलते हैं, बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं। आपके पास एक भी अगर ऐसा है ना, तो आप बहुत लकी हैं। और ये एक आपकी लाइफ में तभी अट्रैक्ट होएगा, ये एक या एक से बहुत सारे भी, पहले एक आते हैं फिर दो तीन हजारों भी आ जाते हैं। ये धीरे धीरे आपकी लाइफ में तभी आने लगेंगे जब आप खुद को अपना सबसे अच्छा परम मित्र बना लोगे, सबसे अपना क्लोजेस्ट फ्रेंड बना लोगे, अपनी सारी चीजें शेयर करोगे। और इस खुद को जब आप उससे जोड़ दोगे, हायर पावर से, अपने मास्टर्स, अपने गाइड, अपने स्पिरिट गाइड्स, तो क्या होगा, आपके बेस्ट फ्रेंड्स वही बन जाएंगे। आपका सारा टाइम आपका ध्यान रखेंगे, आपको थोड़े से भी दुखी हो गए आप उनको बोल दोगे, फिर वो ही आपके पास ऐसे लोगों को भेजेंगे जो कहते हैं ना, तुम अपने दुख मुझे दे दो, मेरे सारे सुख ले लो। वही ऐसे लोगों को आपकी रास्ते में और आपकी लाइफ में भेज देंगे। और आप हैरान हो जाओगे कि यार ये कैसे हो गया, मेरे जीवन में तो ऐसे लोग ही नहीं थे, हर कोई तो मतलबी था, हर कोई तो सेल्फिश था। और ये तो वैसे भी स्वार्थी दुनिया है, जिसने ये बात पकड़ ली उसकी लाइफ तो वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाएगी। ये टेम्पररी वर्ल्ड है, ये एक स्कूल ऑफ असेंशन है, यहाँ पे सब लोग आते हैं, लाइट वर्कर, स्टार सीड्स, मानव, दानव, देव सब आते हैं यहाँ पे, और केवल अपने उत्थान के लिए। उत्थान को इंग्लिश में असेंशन कहते हैं, ठीक है, अपने असेंशन के लिए। सो ऑन दिस नोट आई विल साइन आउट फ्रॉम दिस सेशन। अगर आपको मेरे से पर्सनल सेशन लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स देख सकते हैं। ओनली व्हेन यू आर श्योर प्लीज कॉन्टैक्ट मी। और जब भी सेशन होगा तो अच्छे से ही बातचीत होगी, डिटेल में बातचीत होगी। यू कैन ऑल्सो सपोर्ट माई चैनल बाय सब्सक्राइबिंग टू इट, बाय लाइकिंग माई कॉन्टेंट एंड कॉमेंट करिए। अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा है, आपको रेजोनेशन हो रहा है, तो आप करिए। और आपके अगर कोई सवाल हैं, कोई अच्छे अच्छे सवाल हैं, तो वो भी पूछिए। आई कैन आंसर एनी थिंग दैट विल हेल्प एंड सपोर्ट द कम्युनिटी। आप मुझे पेट्रियन पे भी सपोर्ट कर सकते हैं, अगर आप छोटे लेवल पे सपोर्ट करना चाहते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप उसमें भी सपोर्ट शो कर सकते हैं अपना। और क्या, और बस बी योर सेल्फ, अच्छे बनिए, सच्चे बनिए, एंड यू विल क्रिएट अ ब्यूटिफुल इकोसिस्टम, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर बींग हियर विद मी। और बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद, अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं और अगर आप असेंशन के पाथ पे। असेंशन एक लाइफस्टाइल है दोस्तों, ये कभी खत्म नहीं होता, ये मरते दम तक हमको इनर वर्क करना है, हमें याद रखना है। सो वन लव एंड पीस आउट एंड जय श्री राम।